के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन व्हाइटनिंग समर फेशियल एट होम। ये बहुत ही इजी फेशियल है और आप इजीली इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट निकला। बट मेरी वीडियो को देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं तैयार करूंगी क्लींजर। क्लींजर तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच बेसन और अब मैं इसमें 1 टोमेटो का पल्प जो है वो निकाल लूँगी अच्छे से। टोमेटो जो है स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और ये हमारी स्किन से दाग धब्बे भी हटाता है, तो इसलिए मैं टोमेटो ले रही हूँ। अब मैं अच्छे से टोमेटो मिक्स कर लूँगी और उसके बाद रोज़ वाटर की हेल्प से एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। जब अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए जिसे कि आप अपनी स्किन में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद आप अपनी स्किन में अप्लाई कर लीजिए। सो बन गया मेरा पेस्ट। अब मैं अपनी स्किन में इस ब्रश की हेल्प से पहले इसको अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने हैंड की हेल्प से इसको अच्छे से रब कर लूँगी जिससे कि हमारा फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है और आप ग्लो देख सकते हैं मेरे फेस में। अब मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, वाउ का एलोवेरा जेल मैं ले रही हूँ और इस एलोवेरा जेल से मैं अपने स्किन में मसाज करूँगी। मसाज आपको कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से अपने स्किन में करना है और उसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी फेस पैक। जो क्लींजर मैंने बनाया था उसी से मैं फेस पैक अप्लाई कर लूँगी। मैंने मसाज कर लिया अच्छे से अपनी स्किन को। अब उसके बाद उसी क्लींजर से मैं ये फेस पैक लगा रही हूँ और इसको आप एज अ फेस पैक अच्छे से अपने फेस पे लगा लीजिए। उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए 10 से 15 मिनट अपनी स्किन पे छोड़ दीजिए। तो देखिए फेस पैक जो है ड्राई हो चुका है, मैं वॉश कर लूँगी और बहुत ही अच्छा स्किन वाइटनिंग फेशियल था ये, बहुत ही बेस्ट है। जो ये था मेरा आज का वीडियो।